हेलो गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्थिंग में सॉल्ट, चारकोल और जो वाटर है उसका क्या यूज़ है। अब गाइस, अगर मैं बेसिक्स बताऊं तो गाइस, जो हमारी अर्थिंग है वो टू टाइप्स की क्लासिफाई की गई है। एक होती है गाइस हमारे पास प्लेट अर्थिंग, और गाइस सेकेंड होती है हमारे पास पाइप अर्थिंग। अब मैं इस वीडियो में दोनों ही कवर करूंगा। सो गाइस, प्लेट अर्थिंग क्या होती है, पाइप अर्थिंग क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो उसकी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा कि हमारे सॉल्ट और चारकोल और जो हमारा वाटर होता है उसको हम अर्थिंग में क्यों यूज़ करते हैं। अब जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं गाइस, हम प्लेट यूज़ करते हैं, कुछ इस टाइप की जो हमारी प्लेट होती है हम इसको यूज़ करते हैं। और गाइस, पाइप अर्थिंग में हम करते हैं पाइप का यूज़। अब वो किस पर डिपेंड होगा कि हमें किस जो हमारी जो प्लेट है वो किस मटेरियल की होनी चाहिए, जो पाइप है किस मटेरियल का होना चाहिए, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। सो गाइस, ये भी कुछ है हमारे जो क्राइटेरिया है पाइप को सिलेक्ट करने के, प्लेट को सिलेक्ट करने के। अब जो हमारी प्लेट और जो पाइप है गाइस, वो तो गैल्विन जो हमारी गैल्वनाइज आयरन होता है इसका भी मिल इसका भी हो सकता है, और गाइस जो हमारा आयरन होता है उसका भी हो सकता है, कास्ट आयरन का, और गाइस हमारा कॉपर का भी हो सकता है। तो इसकी डिपेंडेंसी डिपेंड करती है इसकी कंडक्टिविटी पे। अब गाइस, आपको अगर आपको अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए अर्थिंग की तो हम कॉपर यूज़ करेंगे, अगर उससे लेस चाहिए तो गैल्वनाइज जो हमारा आयरन होता है, फिर कास्ट आयरन आता है। सेम गाइस फॉर हमारा पाइप अर्थिंग के लिए, अगर पाइप अर्थिंग का हमें डायमीटर अगर हमें कम रखना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पाइप अर्थिंग का जो डायमीटर है अगर हमें 3 mm का अगर हम पाइप कंसीडर कर रहे हैं, तो गाइस अगर तो कॉपर के लिए हम 3 mm का पाइप कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर हम GI की अगर हम पाइप यूज़ करेंगे, तो गैल्वनाइज आयरन का अगर हम पाइप यूज़ करेंगे, तो ये 3 की जगह जो गाइस हमारा 6 mm का यूज़ करना होगा। अगर कास्ट आयरन यूज़ करेंगे तो गाइस 12 mm का हमें जो है कास्ट आयरन करना होगा। ये इसलिए गाइस क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है, जो कि करंट का फ्लो होता है, वो कॉपर में अच्छा होता है, इसलिए गाइस हम इसको अगर कम डायमीटर का भी लगाएं तो भी जो है हमारा ये जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी आएगी। अब गाइस, जो हमारी प्लेट है या जो हमारा पाइप है, इसको इसके थ्रू हम अर्थिंग करते कैसे हैं। सो गाइस, क्या होता है कि पहले हम एक पिट जो है हमें बनानी होती है, गड्ढा करना होता है। इसके अंदर क्या होता है गाइस, अगर पहले प्लेट अर्थिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है गाइस, एक जो प्लेट होती है हमें लार्ज प्लेट, जितना साइज हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर की जो है हम प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं, तो जो प्लेट है अगर हम 7 to 8 feet का जो है पहले हमें पिट बनानी होती है, गड्ढा करना होता है। इसके बाद गाइस, ये जो जो है इसके अंदर हम डालते हैं इस प्लेट को, यहाँ पर इस प्लेट को लगाने के बाद गाइस, हम अगर हम कॉपर की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉपर का ही जो है वायर यूज़ करना होता है, अगर हम GI की अगर हम प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो GI का ही वायर यूज़ करना होता है। सेम फॉर गाइस कास्ट आयरन, अगर हम कास्ट आयरन की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो कास्ट आयरन का ही जो है हमें वायर यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर की प्लेट जो है इसको मैंने यहाँ पर पिट बनाकर इसके अंदर इसको रख दिया। इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके थ्रू ही मैं जो है एक मेटल का कॉपर का ही एक जो है मैं स्ट्रिप लेके इसको ऊपर लेके आऊँगा। ये एक मान लीजिए हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये वाला, ये इतना हमने इसमें गड्ढा कराया 7 to 8 feet का। अब इस क्या होगा, ये जो है आपके कॉपर की जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए गाइस, मिनिमम जो है आपकी होनी चाहिए ये इसकी जो थिकनेस है गाइस, जैसे इसकी थी 3 mm, तो इसकी भी 3 mm की होगी अगर हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है गाइस हमारे पाइप अर्थिंग का। पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं गाइस, पाइप अर्थिंग में भी सेम हम 7 to 8 feet का एक पिट बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं गाइस, हम कॉपर का जो पाइप है उसको हम ऐसे करके लगा देते हैं। ये हमारा कॉपर का पाइप है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस। अब ये जो पाइप होता है इसके भी कोई जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाइस, अब क्या होता है जो पाइप होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं जगह जगह पर। अब उसका क्या रीज़न है गाइस, इसको भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। ये कुछ इस तरह से जो है हमारा पाइप होता है। अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं गाइस, कि जो हमारा सॉल्ट है या चारकोल है या जो हमारा वाटर होता है, उसे हम अर्थिंग में क्यों यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं। अब जो गाइस हमारे अर्थिंग के अंदर जब भी हम जो है अपना सॉल्ट या चारकोल या जो वाटर है वो उसको मिक्स करके जब हम डालते हैं, तो गाइस इसकी जो थिकनेस रखनी होती है इस प्लेट के अक्रॉस जो है हमें 100 mm के अंदर हमें जो है इसका मिक्सचर जो है मिला के डालना होता है। सेम फॉर दिस पाइप अर्थिंग गाइस, पाइप अर्थिंग में क्या होता है गाइस, कि जो हमारा जो पाइप के अंदर हमें जो है हमारा चारकोल सॉल्ट नहीं डालना होता है, हमें इसके आउटर सर्फेस पर जो है इसका 100 mm के अक्रॉस जो है हमें इसको फिल करना होता है सॉल्ट से, चारकोल से, और गाइस जो हमारा जो वाटर होता है उससे। तो गाइस सॉल्ट और जो हमारा कोयला होता है, जो वाटर जो होता है इसका जो मिक्सचर है हमें इसके चारों तरफ डालना होता है, और इसके अंदर से गाइस हमें कभी कभी जो है पानी डालना होता है। अभी आपको इसका भी रीज़न क्लियर होगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होता है गाइस, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है कि हमारा जो मिक्सचर है किस रेशियो का मिक्सचर हमें जो बनाना होता है, किस रेशियो का मिक्सचर हमें जो है इसके अक्रॉस डालना होता है। सो गाइस अगर हम 5 kg जो है हमारा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पे 8 या 7 to 8 kg जो होगा हमारा चारकोल मीन जो कोयला है वो यूज़ किया जाएगा।
अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हम जो हमारा कोयला है, जो हमारा वाटर है, जो हमारा सॉल्ट है, उसको यूज़ कर रहे हैं। सो इस क्या होता है कि जब भी हम कभी भी जो हमारा जो करंट का फ्लो है वो कब फ्लो करता है, जब उसको लोअर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपका जो अगर कोई लीकेज करंट है उसको हमें ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड में जब भी कोई लीकेज करंट जाएगा, वो जो आपने मान लीजिए जो प्लेट है इसको हमने इसके अंदर पेट के अंदर रख दिया, अब जो लीकेज करंट आएगा गाइज उसको ग्राउंड होना है, तो ग्राउंड और जो प्लेट की जो कंडक्टिविटी है इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट और चारकोल का मिक्सचर। रेजिस्टिविटी गाइज इसकी जो है डिक्रीज हो जाती है, लोअर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कराता है, जो हमारे जो लीकेज करंट है, जो भी हमारा लीकेज करंट आता है उसको लोअर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कराता है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो ईजिली ग्राउंड हो जाता है। सेकेंड रीज़न क्या है गाइज, जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट और जो चारकोल होता है गाइज, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड मीन्स गाइज ये इसमें क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी है, जो हमारी सॉइल के अंदर जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो तो कम हो जाती है, बट जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो गाइज हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको इसके एक्रॉस, जो हमारी प्लेट के एक्रॉस या हमारी जो पाइप के एक्रॉस जो है मॉइस्चर कंटेंट को भी जो मेंटेन करके रखता है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा गाइज उतनी हमें अच्छी कंडक्टिविटी मिलेगी। आपको ये तो बेसिक से आपको पता है, अगर हमारे जहाँ पर भी हमारा जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो ईजिली होती है। अब गाइज जो हमारा सॉल्ट होता है, अगर मैं केमिस्ट्री के टॉपिक पर अगर पर जाऊँ तो अगर सॉल्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ तो NaCl जो है हमारी एक सॉल्ट होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो Na+Cn नेगेटिव मींस जो इसके अंदर सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि जो इस टाइप की जो अर्थिंग है वो कहाँ पर होती है, क्योंकि हम नॉर्मल देखते हैं जो हमारे घर होते हैं गाइस उसमें हम सिंपल एक तार लेके हम ग्राउंड कर देते हैं और हम बोलते हैं हमारी अर्थिंग हो गई, बट इस टाइप की अर्थिंग मेनली कहाँ पर होती है गाइस, इस टॉपिक पर भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। जो आपकी सॉल्ट, चारकोल और जो वाटर वाली अर्थिंग है ये गाइस कहाँ पर की जाती है, तो गाइस ये मेनली की जाती है आपकी जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, MNCs होती हैं, या आपके गाइस जो आपके पावर सिस्टम पावर स्टेशंस होते हैं उसके अंदर जो हमारी जो अर्थिंग है वो कुछ सॉल्ट और जो चारकोल और ये वाली जो अर्थिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। इसका रीज़न क्या है गाइस, जो हमारे घर होते हैं गाइस इसके अंदर क्या होता है, हमारी 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आ रही होती है, और 220 वोल्ट अगर मैं इसको 220 kVA से कंपेयर करूँ तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये वाली जो अर्थिंग है इसमें हम नॉर्मल जो हमारा एक फेज आ रहा होता है, एक न्यूट्रल आ रहा होता है अर्थिंग, हम खुद बस एक ग्राउंड में तार लगा के ले लेते हैं, तो ये जो नॉर्मल अर्थिंग है ये वाली हम घर में कर सकते हैं, बट ये वाली अर्थिंग हमारी कंपलसरी होती है फॉर MNC जहाँ पर भी हमारी लार्ज मशीन है, जहाँ पर भी एरर के जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो है, तो उस कंडीशंस में जो है हमारी जो ये वाली जो अर्थिंग है ये ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल गए अगर मैं पावर स्टेशन की बात करूँ तो पावर स्टेशन में क्या होता है, हमारे लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करते हैं, जब भी कोई थंडरस्टॉर्म आता है या क्लाउड बस्ट होता है तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जब भी जो बिजली है वो आती है हमारी इस पर और इसको ग्राउंड कर देती है। तो ये वाली जो है 220 है, बट जो हमारा बादल फटने पर जो हमारी बिजली जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसकी जो जो हम बोलते हैं कि इसमें जो इसका जो एम्पेयर होगा या जो उसकी वोल्टेज होगी वो काफ़ी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू 220, तो उस अर्थिंग को हमें ग्राउंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें गुड कंडक्टिविटी चाहिए बिटवीन अर्थ एंड जो हमारा लीकेज वायर है, जो लीकेज करंट को लेके जा रहा है ग्राउंड में, उस वायर में। तो ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वाई चारकोल एंड सॉल्ट यूज्ड इन अर्थिंग। और गाइस एक रीज़न और था कि जो हमारा वाटर है वो क्यों यूज़ किया जाता है। सो गाइस अगर मैं पाइप अर्थिंग की ही बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमारे होल्स होते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारा चारकोल और जो सॉल्ट का है वो मिक्सचर लगा हुआ होता है। अब ड्राई कंडीशंस में क्या होता है गाइस, अगर ड्राई सीजन जो हमारे ड्राई सीजन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो इसके जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे एक्रॉस जो हमारा पाइप वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। अब अर्थिंग रिड्यूस हो रही है या अच्छी अर्थिंग है हमें कैसे पता चलेगा, तो गाइस इसकी जो हमारी रेजिस्टिविटी को चेक करके जो हम अर्थिंग को मेजर करते हैं। अगर अभी हमारी जो फाइव जो हमारी इंडस्ट्रियल है 5 ओम तक की जो अर्थिंग है वो हमारी गुड अर्थिंग कही जाती है, अगर 5 की जगह 8 अर्थिंग या 9 ओम 10 ओम हो रही है तो जो अर्थिंग है वो रिड्यूस हो रही है। तो अर्थिंग गुड अर्थिंग करने के लिए गाइज हम दोबारा इसमें वाटर डाल देते हैं। वाटर क्या होता है गाइज, इस पाइप के थ्रू जाता है, ये जो होल्स हैं गाइज इसके थ्रू जो हमारे मिक्सर के पास जाता है, फिर जो हमारा मिक्सर है वो दोबारा मॉइस्चर जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गाइज क्या होता है हमारी जो अर्थिंग है दोबारा गुड अर्थिंग हो जाती है, ये दोबारा 5 ओम के अप्रॉक्स जो है हमारी जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। सो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वाई सॉल्ट एंड चारकोल यूज्ड इन अर्थिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। थैंक